अभी सब कुछ बोल ही चुके हैं वैसे तो, फिर भी मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो सवाल आज ही मेरे सामने आया था जी कि आपकी पार्टी जींद उपचुनाव में क्यों नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जींद उपचुनाव नहीं है, वो चुप चुनाव है, वो 3 महीने का खेल है, वो अपने फायदे के लिए है। वो लोग अपना वजूद दिखाना चाहते हैं, जो भी पार्टियां वहां उतरी है उनने सिर्फ नू दिखाना कि हमारी ताकत क्या है। उनको कोई मतलब नहीं जनता के सपने क्या है, जनता के काम क्या होने हैं। इसलिए मैं उसको चुप चुनाव मानता हूँ। चुप चुनाव में आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं होती। जहां जनता के मुद्दे की बात होगी वहां आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। और मैं बता दूं बेशक सारी पार्टियां में ये सारे बोलन के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ आंदोलन के मुख्यमंत्री बैठे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के लिए। ये बोलन के मुख्यमंत्री नहीं है, आंदोलन के मुख्यमंत्री आपके बीच में है। और मैं बता दूं कि बाकी पार्टियों में बेशक चाचे ताऊ और परिवार मंत्री है, इस पार्टी में सिर्फ जिम्मेदार मंत्री है। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी है दोस्तों। और मैं खुद स्कूल अस्पताल में खुद दिल्ली में जाके देख के आ रहा है, इतने अच्छे स्कूल और अस्पताल दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ ये सब हरियाणा में भी हो, हरियाणा प्रदेश भी इतना ऊपर जाए, इतना आगे जाए जितना दिल्ली को आम आदमी पार्टी लेके गई है। गाने की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से मेरे मुंह से ये बात तुमने कम अच्छी लगती होंगी, सुधा ही बात घनी सुनो तुम।